अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सिनेमन रोल्स। दीज आर द सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफीएस्ट रोल्स आई हैव एवर मेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने बोल में ऐड कर दिया है 3/4 कप वार्म मिल्क। इसमें चला गया 1/4 कप मेल्टेड बटर। 1 मीडियम साइज रूम टेम्परेचर एग हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 पैकेट एक्टिव ड्राई यीस्ट, जिसका साइज ऑलमोस्ट 2 टीस्पून है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एक साइड पे कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं यूज़ कर रही हूँ 3 कप्स ऑल पर्पज़ फ्लावर। फ्लावर को मैंने सिफ्ट कर लिया। इसमें ऐड किया 1/3 कप कैस्टर शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इन्हें भी मिक्स कर लें। डो की प्रिपरेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ डो विस्क। ये विस्क मेरे बीटर के साथ आए थे, मैं आज फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। आई थॉट व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दीज दिस टाइम। लिक्विड मिक्सचर को हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे 2-3 बैचेस में, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। बहुत हाई स्पीड पे हमने नहीं चलाना, लो टू मीडियम स्पीड पे हम मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाएं और एक डो की फॉर्म में आ जाएं। ये हमारे सब इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट अच्छे से कंबाइन हो गए हैं और एक डो की फॉर्म में आ गए हैं। जब सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए और एक डो की फॉर्म में आ जाए तो हम इसे फर्दर 2-3 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। अगर आप ये प्रोसेस हैंड से कर रहे हैं तो तब तक डो को नीड करें जब तक डो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए और आपके हाथ से स्टिक करना बंद कर दें। अब हम इसे काउंटर पे शिफ्ट करेंगे। साथ ही हमने कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर को भी डस्ट कर लिया ताकि डो काउंटर के साथ स्टिक ना करे। इसे नीड करें ताकि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए और फिंगर इंसर्ट करने पर ये अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाए। यहाँ हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी और ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रही, तो हम एक्स्ट्रा फ्लावर को रिमूव कर देंगे। फ्लावर ऐड करने का पर्पस जस्ट यही था, अगर डो में बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस हो और वो थिन हो तो वो बैलेंस हो जाए। एक्स्ट्रा फ्लावर वाइप ऑफ करने के बाद डो को आप कुछ सेकंड्स के लिए नीड करें। और बोल को ग्रीस करें। डो को आप ग्रीस्ड बोल में 1/2 hour to 2 hours के लिए प्रूफिंग के लिए रख लें, जब तक इसका साइज डबल हो जाए। ये बोल में हमने ऑयल ऐड किया, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें ऐड करें डो, इसे कवर करके वार्म प्लेस पे प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। इट टेक्स अबाउट 1/2 hour to 2 hours, तो जब तक इसका साइज डबल हो जाए आपने तब तक वेट करना है। फिलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 1/2 cup ब्राउन शुगर, 1 tablespoon सिनेमन पाउडर और 1/4 teaspoon सॉल्ट। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। अगर ब्राउन शुगर के लम्स बीच में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बेकिंग में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये हमारी डो आ गई प्रूफिंग के बाद। ये आप देखेंगे ये कितने अच्छे से इसका साइज़ डबल हुआ है। अब हम कुछ फ्लावर डस्ट करेंगे काउंटर पे और हमने डो को रोल करना है रेक्टेंगुलर शेप पे। ये हमने डो को शिफ्ट किया, हैंड से प्रेस ऑन कर लें और आप रोलर से इसे रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर दें। अगर आप इसे रेक्टेंगल में रोल नहीं करेंगे तो इसके एजेस इतने प्रिसाइज नहीं आएंगे, तो वो आप एक्स्ट्रा एजेस से कट कर सकते हैं। ये डो रोल हो गई। अब हमने इस पे
1/4 कप या 4 टेबलस्पून बटर को स्प्रेड करना है। आप बटर को स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग माई हैंड्स। सो आप बटर को अच्छे से इस पर लगा दें। और उसके बाद हम इस पर शुगर और सिनेमन का हमने जो पाउडर का मिक्सचर रेडी किया है वो जेनरसली आप इस पर स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से स्प्रिंकल कर दें और आप रोलर से इसको थोड़ा सा प्रेस डाउन करें ताकि सेटल डाउन हो जाए ये मिक्सचर डो के साथ सेट हो जाए। अब हमने एक साइड से डो को रोल करना है, टाइटली रोल करें ताकि टाइट सा रोल बने, और दूसरी साइड अपोजिट साइड की तरफ रोल करते हुए ले जाएं। डो को रोल करने के बाद आप ऑलमोस्ट 2 इंचेस के डिस्टेंस पे डो को कट करेंगे और इक्वल साइज़ के रोल्स बना लेंगे। साथ ही हमने बेकिंग डिश या ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा दिया और अपने कट हुए हुए रोल्स को हम उसमें अरेंज करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स और बेक करने से पहले फ्रीज हुए हुए रोल्स को आप डिफ्रॉस्ट कर लें फॉर अबाउट 2 आवर्स। ये हमने अब इनको 1/2 आवर के लिए फर्दर प्रूफिंग के लिए छोड़ना है। ये देखिए 1/2 आवर गुजरने के बाद हमारे रोल्स बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुके हैं। अब जितने आपने बेक करने हैं आप उन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 22 मिनट्स के लिए बेक कर लें। रोल्स को ओवन में रखने के बाद अब हम ग्लेज बना रहे हैं। उसके लिए हमने बोल में ऐड किया 1/2 कप क्रीम चीज़, 1/2 कप आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम विस्क कर लेंगे ताकि ये वेल कम्बाइंड हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्जी से थिक भी रख सकते हैं और थिन भी रख सकते हैं। उसके लिए आप इसमें मिल्क ऐड करें। मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा थिन चाहिए तो आप और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्लेज पसंद है तो आप इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लें। मिल्क को अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन कर लें। ये हमारे सिनेमन रोल्स परफेक्टली बेक हो चुके हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही फ्लफी रोल्स बने हैं। अब हम इन पे ग्लेज को पोर करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना चाहें ग्लेज ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए अगर आप चाहें तो आप चॉकलेट सिरप को इस पे ऐड कर दें। इससे आपका फ्लेवर फर्दर रोल्स का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिनेमन रोल्स कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफी बने हैं। ये देखें कट करने के बाद लेयर्स कैसे सेपरेट हो रही हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।